एक्सप्रेस मैं हूं आपके साथ बशा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं जहां शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार को रायपुर के माना स्थित चौथी बटालियन में अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, गृहमंत्री, गृह विभाग के सदस्य सचिव विकास उपाध्याय, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित पुलिस और सीआरपीएफ के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अंतिम सलामी के बाद शहीद डिप्टी कमांडेंट के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम भेजा गया, जहां शहीद जवान के परिजन भी साथ में रवाना हुए। घटना को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि सुकमा में आईडी डिटेक्ट किया गया था, उसे डिस्चार्ज करने काम हो रहा था और इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया। वहीं विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि सुकमा के कैस्टाराम में ये घटना घटित हुई है। कमांडेंट जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। कोबरा के और कल वहाँ सुकमा इलाके में किस्टाराम और जो हमारा कैंप है अगला वाला पैलोडी, उसके बीच में आईडी एक डिटेक्ट हुई थी। उस आईडी को इन लोगों ने ही डिटेक्ट किया था, जिसमें जवान यंग कमांडेंट जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास कुमार जी शहीद हुए हैं, उस सेना के लिए तो बहुत बड़ी हानि ही है, भी देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और ये नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दो दिन के सरगुजा और सूरजपुर दौरे पर हैं। इसी के